हरे कृष्णा राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल की कृपा से अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप हमें लड्डू गोपाल का रूम डेकोरेट करना बताइएगा, किस तरीके से आपने ये लड्डू गोपाल की सारी सेटिंग कर रखी है, किस तरीके से रूम उनका डेकोरेट कर रखा है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो भाव की सेवा होती है। तो देखिए, जैसा जिसका भाव है वो उसी प्रकार सेवा करता है। तो देखिए, मैंने उस जगह को अच्छे से साफ कर लिया है। अगर मैं आपको इस जगह की मीटर के हिसाब से लंबाई चौड़ाई बताऊं तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1 मीटर होगी और लंबाई जो होगी 1.25 मीटर होगी। तो देखिए, मैंने ये बच्चों वाली जो टेबल होती है वो ले ली है और मैंने इस पर एक कपड़ा बिछा दिया है। आपके पास जो भी कपड़ा हो आप उस चौकी पर बिछा सकते हैं, और एक चौकी मैंने और ली है। तो देखिए, पहले मैंने लड्डू गोपाल को सिर्फ इसी पर विराजमान कर रखा था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था उस समय। पर होता क्या है, धीरे धीरे मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा इन सारी चीज़ों में, और आप लोगों ने भी काफ़ी सारा इंटरेस्ट दिखाया जब मैंने लड्डू गोपाल की चीज़ें बनाकर आपके साथ वीडियो शेयर की। तो देखिए, लड्डू गोपाल का ये जो मैं कूलर लेकर के आई थी, तो देखिए थोड़ा सा जगह में ये चौकी छोटी हो रही थी, तो मैंने नीचे बॉक्स रखकर एक प्लाई का बोर्ड है वो मैंने रख दिया है, और इसके ऊपर मैं कोई भी एक कपड़ा बिछा दूंगी। और एक मैंने ये बॉक्स ले लिया है क्योंकि अगर कूलर रखूँगी तो उसके हिसाब से जैसे लड्डू गोपाल का सिंहासन है या बेड है उसके ऊपर प्रॉपर से हवा जाए उनके लिए। तो देखिए, मैंने इसको कूलर को यहाँ रख दिया है, और ये मैंने लड्डू गोपाल का सिंहासन बनाया था तो वो मैं इसको बीच में रखूँगी सबसे पहले। तो देखिए, और ये लड्डू गोपाल का मैंने सोफ़ा बनाया था, इसको भी रख देते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लड्डू गोपाल का रूम डेकोरेट किया है। ज़्यादा जगह भी नहीं ली है, बस थोड़ी सी ही जगह में मैंने अपने लड्डू गोपाल का रूम सजा कर रखा हुआ है। तो देखिए, लड्डू गोपाल का झूला भी मैंने रख दिया है, और मैंने ये साइड में बेड रख दिया है। कभी कभी तो मेरे खुद समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ को मैं किस जगह रखूं, पता ही नहीं चलता है। आप देखिए, ये सोफ़ा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ पर लगाऊं, किस जगह पर लगाऊं। क्योंकि होता क्या है, धीरे धीरे करके लड्डू गोपाल का इतना सारा सामान होता जा रहा है कि जगह मेरे पास कम पड़ती जा रही है। लड्डू गोपाल को कभी कुछ चाहिए होता है तो कभी कुछ चाहिए होता है, तो इसी तरीके से वो अपना सामान मुझसे अपनी सेवा करवाते जा रहे हैं, मैं उनकी सेवा भाव के साथ करती जा रही हूँ। तो देखिए, ये लड्डू गोपाल की मच्छरदानी भी मैंने बनाई थी, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। जब मैं लड्डू गोपाल को मच्छरदानी में सुलाती हूँ तो इनके बेड पर ही मच्छरदानी रख देती हूँ और उस पर सुला देती हूँ। तो देखिए, ये मैंने पहले चारपाई बनाई थी लड्डू गोपाल की। और देखिए, लड्डू गोपाल के रूम में मैंने ब्लू कलर की लाइट लगा रखी है, मुझे इसकी रोशनी बहुत अच्छी लगती है, और इसे जब मैं वीडियो शूट करती हूँ इसको जला करके तो एक अलग से ही चमक आ जाती है वीडियो में। तो देखिए, आप देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइट जला करके मेरा लड्डू गोपाल का रूम कितना शाइन कर रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। और गौ माता को हम कैसे भूल सकते हैं, तो मैंने गौ माता भी यहाँ पर विराजमान कर दी हैं। जहाँ लड्डू गोपाल हैं वहाँ गौ माता तो अवश्य ही होती हैं। ये घड़े में लड्डू गोपाल के लिए हर रोज़ मैं जल चेंज करके रखती हूँ, और बाकी का जब जल बच जाता है इसमें तो वो तुलसी या फिर मैं पौधों में डाल देती हूँ। और थोड़ा सा कुछ प्रसाद रखती हूँ लड्डू गोपाल को, अगर भूख लगती है तो वो ग्रहण कर सके। तो इस तरीके से बहुत ही छोटा सा लड्डू गोपाल का रूम है, पर मैंने कोशिश की है अपने लड्डू गोपाल को सारी सुविधा देने की। मैं इनको क्या सुविधा दूंगी, ये तो जगत के स्वामी हैं, सबको ये सुविधा देते हैं। तो बस मेरा तो ये भाव है कि मैं इनकी अच्छे से सेवा कर पाऊँ, सारी चीज़ें इनको दे पाऊँ जो मैं कर सकती हूँ इनके लिए करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल का रूम तो डेकोरेट कर दिया है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लड्डू गोपाल का रूम डेकोरेट कर रखा है। तो देखिए, सारी चीज़ें ये मैंने घर पर ही बनाई हैं, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो देखिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे लड्डू गोपाल का रूम कैसा लगा आप लोगों को, और बहुत ही कम जगह में मैंने लड्डू गोपाल का रूम डेकोरेट कर रखा है। तो झूला जो है वो लड्डू गोपाल का मैं ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि नीचे इतना स्पेस नहीं रह जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको, जहाँ बास्केट रखी हैं वहाँ पर मैं लड्डू गोपाल का झूला रख देती हूँ। झूला भी मैंने बनाया था,
सोफ़ा भी बनाया था, ये बेड भी बनाया था। तो धीरे धीरे करके इनको जिस चीज़ की डिमांड होती है ये मुझसे कहते हैं और मैं बनाती जाती हूँ। तो देखिए मेरे प्यारे से लाला और अपने छोटे वाले लाला भी, ये लड्डू गोपाल और सिंहासन पर विराजमान हैं और अपने सिंहासन पर बैठकर आनंद ले रहे हैं वीडियो का। तो अगर मैं और भी सामान इसमें दिखाती तो वीडियो काफ़ी सारा बड़ा हो जाता। लड्डू गोपाल की ज्वेलरी पोशाक वो किसी और दिन दिखाऊंगी। तो देखिए ये जो बॉक्स रखे हैं, बास्केट रखी हैं, इसमें लड्डू गोपाल के मैंने सारे सामान रख रखे हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स है लड्डू गोपाल का और नीचे वाले में भी कुछ अच्छी पोशाकें हैं डेकोरेटेड, वो रखी हैं मैंने लड्डू गोपाल की। ये गुल्लक रखी है, इसमें मैं लड्डू गोपाल के ही लिए पैसे डालती हूँ, अगर मुझे जब ये भर जाएगी तो इनके लिए, या फिर जैसे मैं कहीं खाना खिलाने जाती हूँ उन पैसों का इसमें मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये गुल्लक रख रखी है। और ये लड्डू गोपाल की स्नान कराने के लिए परात है, यहीं पर रख देती हूँ क्योंकि मुझे इधर उधर भागना ना पड़े। मोस्टली चीज़ें मेरे लड्डू गोपाल की मंदिर के पास ही रहती हैं और यहाँ पर मैंने ऊपर ये मंदिर लगा रखा है, बाकी के देवी देवता इसमें विराजमान हैं। पूजा मैं साथ में ही करती हूँ, अलग से मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। जब पूजा आरती करती हूँ तो ऐसा ऊपर से नीचे तक मैं ये दिखाती हूँ आरती को, तो मैं एक साथ ही पूजा करती हूँ। तो देखिए आप लोग कमेंट करके जय श्री राधे और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा अगर आपको हमारे लड्डू गोपाल का रूम पसंद आया है। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भी रूम डेकोरेट कर सकते हैं। और कैसा लगा ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।